Friends, welcome back. My Dr. Asha Gavade, gynecologist and IVF consultant, Umang Hospital, Hadapsar, Pune से. आज मेरे जो pregnant regular subscribers हैं, जो भी pregnant mummies हैं, जो ये video देखते हैं, उनके लिए बहुत ही common और interesting topic लेके आई हूँ, जो patient मुझे phone करके पूछते हैं, हम लोग को OPD में पूछते हैं, अभी आपके YouTube के comment box में लिख के भेजते हैं कि doctor pregnancy में white discharge हो रहा है, तो ये normal है या abnormal है? तो ये white discharge यानी क्या है, ये क्यों होता है, ये कब से स्टार्ट होता है, कौन सा white discharge नॉर्मल है, कौन सा white discharge abnormal है, ये हम लोग ये वीडियो में आज डिस्कस करेंगे. तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है. सबसे पहले आते हैं कि ये प्रेगनेंसी में जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है ये क्यों होता है. देखो, प्रेगनेंसी जो है ये एक हार्मोनल चेंज है आपके बॉडी में, और वो टेम्पररी होता है 9 महीने के लिए. तो आपकी बॉडी वो हार्मोन्स को थोड़ा सा अलग रिस्पांस देती है, उसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं रिगार्डिंग द व्हाइट डिस्चार्ज. इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऐसे दो हार्मोन हैं जो आपके वजाइनल ग्लैंड्स एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स रहते हैं उन पे काम करते हैं, उसकी वजह से वो ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो ऐसे वाटरी डिस्चार्ज बढ़ाते हैं, सिक्रेट करते हैं. तो उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में, बिफोर प्रेगनेंसी से, मतलब प्रेग्नेंट होने के पहले से प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज आपको महसूस होता है, क्योंकि ये दोनों ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ये दो हार्मोन की वजह से. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ग्रोइंग यूट्रस है, मतलब जो बच्चादानी का साइज बढ़ रहा है बच्चे की वजह से, उसकी वजह से सर्विक्स पे प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा व्हाइट डिस्चार्ज होता है. और थर्ड इम्पॉर्टेंट, सर्विक्स और वजाइना का ब्लड फ्लो काफी बढ़ता है प्रेगनेंसी में, तो वो ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से अगेन वो ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारा व्हाइट डिस्चार्ज सिक्रेट करते हैं. ये हो गया व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है. अभी व्हाइट डिस्चार्ज कब से स्टार्ट होता है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले ही नोटिस करते हैं कि उनको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है. दैट मीन्स इट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अपीयर कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि आपको प्रेगनेंसी है इसका एक सिम्टम आपको दिखेगा कि आपको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज दिखने लगेगा. अभी ये कौन से टाइप का रहता है. जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल व्हाइट डिस्चार्ज रहता है वो बहुत ही पतला रहेगा, उसको स्मेल नहीं रहेगा, उसको साथ में प्योर व्हाइट कलर का रहेगा, उसके साथ में आपको रेडनेस हो, इचिंग या स्मेल ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा. लेकिन सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा वेट वेट फीलिंग रहेगा. अभी ये क्यों होता है. बेसिकली जो ये फिजियोलॉजिकली व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है वो वजाइना को और सर्विक्स को प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर के बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, वो अंदर एंट्री ना करे, तो वो एज अ बैरियर करके काम करता है एक्सटर्नल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. तो आइडियली दिस इज द गुड साइन ऑफ योर प्रेगनेंसी. तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको डरने का नहीं. अगर आपको थिन पतला क्लियर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है जिसके साथ में आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, मानो आपको इचिंग नहीं, स्मेल नहीं, इरिटेशन नहीं, रेडनेस नहीं, बैक पेन नहीं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में आपको डरने जैसा कुछ भी नहीं है. ये फिजियोलॉजिकल है. आप कॉटन की पैंटी यूज करो, दिन में 2-3 बार वो पैंटी चेंज करो. आपके पैंटी आपको गर्म डेटॉल के पानी में वॉश करना है. आपको अलग से टैम्पॉन वगैरह यूज नहीं करना है जो वजाइना में रिटेन रहते. आपको बहुत ही अगर अनइजी लग रहा है तो आप लाइनर भी यूज कर सकते, और आप प्रॉपर ऐसे लैक्टासीड या कुछ भी वॉश वगैरह यूज कर सकते फॉर द हाइजीन मेंटेनेंस. ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज. अभी कौन से व्हाइट डिस्चार्ज को हम लोग एबनॉर्मल पकड़ेंगे, जिसको आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी है. मानो अगर आपको बहुत ही ज्यादा थिक कर्ड के जैसे व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत सारे ऐसे क्लम्स जा रहे हैं, उसके साथ में आपको इचिंग हो रहा है, आपको वजाइना के ऊपर रेडनेस है, आपको काफी डिस्कम्फर्ट है, आपको बैक पेन, लोअर लेग में पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बिकॉज इट्स दी वजाइनल इन्फेक्शन
और जिसका वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, साथ में आपको ये एसोसिएटेड सिम्टम्स भी रहेंगे, तो उस केस में हम लोग पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक है या वजाइनल पेसरीज है या कुछ इचिंग के लिए सुदिंग क्रीम वगैरह देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रेगनेंसी में जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो कौन से केसेस में आपको नॉर्मल कंसिडर करना है, कौन से केसेस में आपको एबनॉर्मल कंसिडर करना है और कब आपको आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी देखने को बोलो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।